आरएनबी क्वीन के नाम से फेमस सिंगर और डांसर सपना चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सपना के हरियाणवी गानों के लिए लोग काफी दीवाने हैं। YouTube पर अक्सर लोग उनके डांस और गानों को लुफ्त उठाते नजर आते हैं। सपना जिन गानों के जरिए लोकप्रिय हुई वे हरियाणवी जरूर है, लेकिन उनके डांस के दीवाने देश ही नहीं विदेश में भी है। उनके गानों को लेकर दीवानगी का आलम यह है कि सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी वीडियोस भी वायरल हो जाती है। सपना चौधरी शादी के बाद एक बच्चे की मां बन चुकी है। सपना ने एक पॉडकास्ट के जरिए बताया कि कैसे उन्हें लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। सपना चौधरी ने जनवरी साल 2020 में गुपचुप शादी सिंगर और राइटर वीर साहू से की। शादी के बाद अक्टूबर में ये गुड न्यूज आई कि उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। सपना ने खुलासा किया कि डिलीवरी के बाद जब उन्होंने फिर काम शुरू किया तो लोगों ने बहाने बनाकर उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। सपना ने कहा कि असली स्ट्रगल क्या होता है ये मैंने माँ बनने के बाद झेला। उन्होंने और क्या कहा सुनिए। डांसिंग क्वीन के नाम से फेमस सपना चौधरी के डांस को देखने के लिए उनके फैंस दूर दूर से आते हैं। फैंस उनका डांस टकटकी लगा कर देखते रहते हैं। हालांकि माँ बनने के बाद उनके लिए काम और मुश्किल हो गया। वो कैसे, इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया था। उन्होंने एक पॉडकास्ट में इस बात को जाहिर किया था। सपना ने कहा कि लोग कहते हैं इंडस्ट्री में आने के लिए काफी स्ट्रगल किया, लेकिन तब मेरे लिए चीजें काफी आसान थी। असली स्ट्रगल तो मैंने माँ बनने के बाद देखा। जब आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ आपको लोग बोलते हैं आपने ही किया है, लेकिन जब आप माँ बन जाए तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। लोग कहते हैं अरे ये माँ बन गई, अब ये कैसे करेगी, अब नहीं इसके बस की कुछ भी, अब थोड़ा काम कर लेगी। बेबकी से अपनी बात कहने वाली सपना ने आगे कहा, लेकिन ऐसा कुछ कहने वाले लोग ये नहीं जानते कि जिसने तुझे पैदा किया है वो माँ ही है और उतनी ही बलशाली भी हो चुकी है। सपना ने कहा कि मैं काफी स्ट्रोंग हो गई हूँ, मुझे कोई बिखेर नहीं सकता। सपना ने बताया कि लोग मुझे गाने भेजते थे, उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तब मैंने सोचा कि माँ बनने के बाद तो लोग ऐसे सोचने लगते हैं। उन्होंने बताया कि जब लोगों ने उन्हें बॉयकॉट करना शुरू किया तो मेरे पति ने मुझसे कहा किसी चीज़ की कमी नहीं है तो क्यों लोगों का मुंह देखना, खुद का काम शुरू करो। सपना ने कहा पति की इस बात से मुझे हिम्मत मिली और उन्होंने मुझे कंपनी और लेबल लगाने की प्रेरणा दी। आपको बता दें कि सपना चौधरी के डांस शो इतने हिट होते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी उनके आगे फीकी पड़ जाती है। अपने डांस और शख्सियत को पहचानना सपना की जिस तरह सामने रखती है, हर कोई उन्हें कॉपी करना चाहता है। यही वजह है कि सपना चौधरी के जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते हैं वो तुरंत हिट हो जाते हैं।